हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी की त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आइए वीडियो को डिस्कस करते हैं। द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वोकैब है जो साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, और ग्रामर के साथ हम लोग अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आज का टाइटल है, क्या दिया है, नो फायरवर्क्स। ये जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नो फायर वर्क्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर फायर मतलब कहीं पर भी भैया आग वाले कोई काम किए ही नहीं जाएंगे। कहीं पर भी जैसे स्टबल बर्निंग हो रहा था, स्टबल सब लोग समझते हैं ना भाई, जो पराली को बर्न किया जा रहा था उसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन बार बार आपका जो है ना, दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई पंजाब में जो पराली जलाई जाती है या हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसका जो धुआं है वो कहाँ आता है, वो दिल्ली में आता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो फायर वर्क्स में जो रखा है वो स्टेबल बर्निंग के साथ साथ, पराली के साथ साथ भैया वो कहीं ना कहीं क्रैकर्स की भी बात करने वाला है कि भाई जो क्रैकर्स है उनसे भी क्या होता है, जो धुआं निकलता है सब लोग जानते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो फायरवर्क्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी आग वाला काम किया ही नहीं जाएगा, मतलब जिससे भैया पराली नहीं जलाई जाएगी, पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। तो आइए बात करते हैं द एनजीटी। अब देखिए एनजीटी मतलब ये एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जो हम लोग को ये बताता है कि पोल्यूशन में भैया कहाँ पर जो है ना, क्वालिटी का जो लेवल, एयर की जो क्वालिटी है उसका लेवल क्या है, कम है, कहाँ पर क्वालिटी का जो एयर का जो क्वालिटी लेवल है वो सांस लेने के लिए ठीक है। तो दैट इज अ क्या, द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। द एनजीटी बैन ऑन, क्या एनजीटी ने जो बैन किया है किस पर, फायर वर्क्स पर, है ना, जो आग वाले काम है भैया, जो स्टबल बर्निंग पे उसने जो है ना क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया, या फिर यूं कहिए कि पटाखों पर जो प्रतिबंध है, मस्ट स्पर। अब देखिए यहाँ पर जो स्पर है दैट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है प्रेरित करना, कि वो क्या करेगी, स्पर द सेंटर टू इंटेंसिफाई। कि भैया जो जो एनजीटी ने बैन लगाया फायर वर्क्स पर वो सेंटर को स्पर करती है, प्रेरित करती है टू इंटेंसिफाई, बढ़ाने के लिए। इंटेंसिफाई एक वर्ब है, सेंटर को इंटेंसिफाई करने के लिए वो प्रेरित करती है कि उन्होंने जो एंटी पोल्यूशन मेजर्स बनाए हैं, पोल्यूशन के खिलाफ जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जैसे आप जानते हैं दिल्ली वाले लोगों ने जो है, दिल्ली जो सरकार है उसने क्या किया है, पे कहा है कि पराली पर प्रतिबंध लगना चाहिए, है ना, और पटाखों पर प्रतिबंध के लिए जो है ना, आप जब जानते हैं दिल्ली की सरकार ने पटाखों पर जो प्रतिबंध लगाया है, तो ये कह रहा है कि जो एनजीटी ने बैन किया है तो जो सेंटर है जो दिल्ली है वो प्रेरित कर, उसको प्रेरित करना चाहिए उसको, ठीक है ना, इंटेंसिफाई करना चाहिए एंटी पोल्यूशन के, जो पोल्यूशन के खिलाफ जितने भी क्या है मीजर्स हैं, जितने भी पैमाने हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली सरकार जो है वो क्या करती है, जो पैमाने बनाए गए हैं पोल्यूशन के खिलाफ उनको वो प्रेरित करती है। और एनजीटी ने जो बैन किया है, इन द ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, आप सब लोग जानते हैं पेंडेमिक किसकी बात कर रहा है, बीमारी की बात कर रहा है, जो महामारी है कोविड-19, है ना, जो भैया ये कोरोना जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि जो नया 2000 है ना कोविड-19 जिसको नाम दिया गया 2020 में, इस बीमारी में क्या हुआ है, इन द ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इट शुड सरप्राइज, कि ये सरप्राइज करने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी, इट शुड सरप्राइज नो वन दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको मैं एनजीओ बोल रहा हूँ, कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज प्रोहिबिटेड, उसने प्रोहिबिटेड कर दिया, देखो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने प्रतिबंध लगा दिया है किस पर, सेल पर एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, कि भैया बेचे ना, है ना, सेल ना करें और फायर क्रैकर्स का यूज ना करें। आप सब लोग जानते हैं भाई दिल्ली सरकार ने क्या है, पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है ड्यूरिंग दीपावली, दीपावली के दौरान। आप सब लोग जानते हैं भाई दीपावली के दौरान हम लोग क्या करते हैं, पटाखे जो है ना फोड़ते हैं, तो उस पर उसने दिल्ली सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। इन द नेशनल कैपिटल रीजन, कौन कौन से रीजन पे, जो नेशनल एनसीआर जो एरिया है ऑफ दिल्ली का, एंड अर्बन सेंटर्स, और जो क्या है शहरी क्षेत्र है ना, उस पर जो है ना दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, दैट रिकॉर्डेड पुअर, जो रिकॉर्ड गई थी पुअर और वर्स्ट एयर क्वालिटी। भैया देखो कहां पर बात कर रहा है, अब वो 2019 की बात कर रहा है कि जो रिकॉर्डेड पुअर और वर्स्ट, बहुत बेकार जो है ना ईयर जो है ना, वो क्वालिटी जो है नवंबर लास्ट ईयर क्या की गई थी, बहुत ही पुअर रिकॉर्डेड की गई थी भाई। पिछले साल आप लोग को याद होगा कहा गया था कि 2019 में पटाखों की वजह से, है ना, और पराली की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया, और जो एयर क्वालिटी थी, एयर का जो क्वालिटी था वो बहुत ही बेकार हो गया था, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। द डायरेक्शंस एक्सपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इश्यूड इन द पास्ट एंड प्रोवाइड सम कंसेशन टू सिटीज एंड टाउन्स दैट हैव मॉडरेट और बेटर एयर क्वालिटी,
बाय अलाउिंग ग्रीन क्रैकर्स एंड स्पेसिफाई आवर्स फॉर ब्रस्टिंग, कि जो डायरेक्शंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशूड किया था, जो डायरेक्शंस एक्सपेंड की गई थी, जो डायरेक्शंस दी गई थी, फैलाई गई थी। देखो एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, देना। जो डायरेक्शंस दी गई थी है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था पास में, मतलब कहीं ना कहीं 2019 की बात कर रहा है, एंड प्रोवाइड सम कंसेशन, ठीक है ना, और कुछ जो है ना कंसेशन प्रोवाइड किया सिटीज को, टाउन्स को, दैट हैव मॉडरेट और बेटर इक्वालिटी। जहां पर भैया मॉडरेट मतलब, मॉडरेट मतलब एवरेज, जहां पर ना एवरेज क्वालिटी, मतलब जहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, एवरेज है जो हमारी हेल्थ के लिए, जहां पर एयर जो है वो ठीक है और बेटर एयर क्वालिटी है, वहां पर अलाउ कर दिया गया ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर वो होते हैं भैया जो पोल्यूशन नहीं फैलाते, और एक स्पेसिफाई आवर्स दे दिए गए हैं कि पटाखों को वो क्या कर लें, ब्रश कर लें, फोड़ लें, जला लें। ब्रश का मतलब यहाँ पर फोड़ने से मतलब है। तो देखिए कि सुप्रीम भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑर्डर जारी किया पास में है ना, और ये थोड़ा सा कंसेशन दे दिया है कि जो जहां पर सिटीज में और जो टाउन्स है, जहां पर जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट है, एवरेज है, लोगों को सांस लेने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और बेटर एयर क्वालिटी है, तो वहां पर अलाउ कर दिया कि वो ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं। ग्रीन क्रैकर वो होते हैं भैया जो पोल्यूशन नहीं फैलाते, और स्पेसिफाई आज दे दिए, कुछ समय का टाइम दे दिया, जैसे 2 घंटे का टाइम दिया गया है ना, आप देख सकते हैं अलग अलग सरकार ने, वैसे वो अलग अलग टाइम दिया है, हरियाणा सरकार ने 2 घंटे का टाइम दिया, अभी शायद वो पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं है ना, शायद 8 से 10 का टाइम रखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आ रहा हूं भैया, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आपके पास दीज स्टेपुलेशंस, ये जो शर्तें हैं, ये जो शर्तें रखी हैं ना सरकार ने, जो शर्तें रखी हैं, आर टू एक्सटेंड, वो क्या होना है, वो ज्यादा आगे भी जानी है, क्रिसमस तक और न्यू ईयर तक, उनको आगे तक एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, क्रिसमस एस न्यू ईयर। इफ देखिए कंडीशन सेंटेंस है, इफ क्या, द बैन कंटिन्यूज, अगर जो बैन है वो कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड नवंबर, मतलब नवंबर से भी अगर वो बैन आगे चलता है तो फिर ये बैन कहां तक जाएगा, वो एक्सटेंड होगा क्रिसमस और न्यू ईयर तक भैया, कि लोग क्रिसमस पर भी पटाखे ना जलाए, ठीक है ना। स्टेबल बर्निंग भी साथ साथ वो बात कर रहा है, लेकिन यहां पर तो स्पेशल उसने पटाखों की बात की है। द एनजीटी टुक नोट, भाई एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने नोट दिया है दैट ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, भाई ये संस्था है, मैंने बताया इंडिया में जो काम करते हैं किसके लिए, पोल्यूशन चेक करती है कि भाई कहाँ पर कौन सी सिटी का पोल्यूशन खराब है ना, कहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो एनजीटी ने एक नोट दिया है ओडिशा को, राजस्थान को, सिक्किम को, चंडीगढ़ को, द दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी, और एंड द कलकत्ता हाईकोर्ट, जो कलकत्ता का हाईकोर्ट हैड ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, उसने तो ऑलरेडी पहले से ही ना, पश्चिम बंगाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कलकत्ता हाईकोर्ट उसने ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड दे दिया, समर्थन दिया है कि डिटोरियटिंग एनवायरमेंट कंडीशन बाय बैनिंग, साल उन्होंने क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया फायर क्रैकर्स को, ठीक है ना, जो डिटोरियटिंग एनवायरमेंट भाई, जो जिसकी जिसकी वजह से भाई जो फायर क्रैकर्स थे उनकी वजह से धुआं निकलता था और उससे क्या होता है, डिटोरियट हो रहा था एनवायरमेंट, ताकि जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो डिटोरियट ना हो, तो हाईकोर्ट ने भैया, सॉरी सॉरी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसने ऑलरेडी उसको क्या कर दिया, समर्थन दिया है कि डिटोरियटिंग ना हो एनवायरमेंटल कंडीशन भी, जो एनवायरमेंट की जो कंडीशन है वो बनी रहे, सही बनी रहे, ताकि जो है ना बुरा एनवायरमेंट ना हो। आई होप सो क्लियर हो गया, डिटोरियटिंग का मतलब होता है खराब करना। यहाँ पर दिस ट्रिब्यूनल्स रीजनिंग गिविंग प्राइमेसी टू, ये जो हाई कोर्ट है कहीं ना कहीं कल, यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स रीजनिंग कह रहा है, तो ये हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की सतर्कता की बात कर रहा है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जो न्याय देने वाले लोग हैं, जो हाई कोर्ट में भैया 2 या 3 जजों की जो कमेटी है उनकी बात कर रहा है। द ट्रिब्यूनल रीजनिंग गिविंग प्राइमेसी, कि भैया इन लोगों ने प्राइमेसी दी है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने प्राइमेसी दी है टू द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू लॉसेस इज अंडरस्टैंडेबल। देखो उन्होंने क्या कहा है कि भैया पहले से वो प्रिकॉशन, एहतियात, जो एहतियात को लेकर जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको प्रमुखता दी है, क्या हो, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे ना, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जो बेरोजगार है उस पर जो है ना डेवलपमेंट एकदम जो है ना सस्टेनेबल रहे, जारी रहे, वो चलता रहे, सस्टेन करते रहे चीजें, एंड जो रिवेन्यू का जो लॉसेज है वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब भाई जो रिवेन्यू का लॉस हुआ है, आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत सारी चीजें आप लोग सबको पता है कि 2020 में बहुत सारी चीजें बंद रही है ना, पूरा इंडिया लगभग, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही बंद रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिवेन्यू जो है ना नहीं आ पाया, तो काफी सारी चीजें इफेक्ट हुई है, कि उसको भी अंडरस्टैंडेबल है।
कहा कि ये चीज भी जो है ध्यान में रखी गई है एज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। ये जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का बिकेम क्लियर इन मार्च। वो भाई कब क्लियर हो गया था? मार्च में क्लियर हो गया था। एंड देयर वर फियर्स, और भैया एक डर था जो केस है लगातार वो बढ़ेंगे, है ना। द केस वर देयर वर फियर ऑफ अ केस सर्ज, सर्ज मतलब तेजी से बढ़ना ड्यूरिंग द विंटर। भाई सर्दी के दौरान जो है लगातार वो चीज एक डर था कि लगातार वो सर्ज होंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इट वॉज इनक्यूमेंट ऑन द सेंटर, कि भैया इट वॉज इनक्यूमेंट। इनक्यूमेंट मतलब होता है जो पदस्थ है, जो मतलब अभी पद पर बने हुए हैं ऑन द सेंटर, सेंटर में। जैसे सेंटर में हम सब लोग जानते हैं किसकी सरकार अभी है, बीजेपी की सरकार। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बात कर रहे हैं कि इट वॉज इनक्यूमेंट ऑन द सेंटर टू वर्क विद द स्टेट्स, कि भैया जो पदस्थ लोग हैं जो सेंटर में जिसकी सरकार है वो काम करे किसके साथ, स्टेट्स के साथ, रिजोल्यूटली काम करे, दृढ़ता पूर्वक काम करे। रिजोल्यूटली का मतलब है यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक वो काम करे और प्रिवेंट करे किसको, द बर्निंग ऑफ फार्म स्टेबल, कि भैया वो रोके जो लोग बर्न कर रहे हैं फार्म स्टेबल। मतलब समझ गए, कहीं ना कहीं पराली की बात कर रहे हैं, जो लोग पराली को जलाते हैं अहेड ऑफ दीपावली, दीपावली से पहले ही, ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं कह रहा था कि जो सेंटर है वो स्टेट के साथ काम करें और रिजोल्यूटली काम करें, दृढ़ता पूर्वक काम करें, ठीक है ना, ताकि जो है बर्निंग रुक सके, स्टेबल बर्निंग रुक जाए दीपावली से पहले। अहेड ऑफ दीपावली का मतलब है यहां पर दीपावली से पहले ये चीज रुक जाए। आइए आगे देखते हैं कि दिस एनुअल फिनोमिनन, ये जो पूरा प्रक्रिया चलती है भाई, हर बार जो है ना पराली में पराली को जलाया जाता है ना, पटाखे फोड़े जाते हैं, इसकी बात वो कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करने वाला है। कह रहा है कि ये जो एनुअल फिनोमिनन है, ये जो पूरा वार्षिक प्रकरण है, अनफेलिंगली फाउल्स, वो क्या करता है अनफेलिंगली भैया, फाउल्स करता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं फाउल्स की बात करूं, हानि पहुंचाता है हमेशा से। अनफेलिंगली मतलब हमेशा से वो क्या करता है, एयर को जो है ना, फाउल्स द एयर अक्रॉस। वो भैया नॉर्दर्न में और ईस्टर्न इंडिया में, वो नॉर्दर्न एरिया है जो अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड, है ना, और ईस्टर्न एरिया जो है जो पूर्वी भारत है, वो कहीं ना कहीं जो ना ये पराली का जलाने का जो प्रक्रम चलता है, और भैया जो क्या है क्रैकर्स का है ना, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है एयर को, ठीक है, एंड इम्पोजिस हैवी एंड प्रोडक्टिव कॉस्ट। इससे क्या होता है, इससे भैया इस चीज को ठीक करने में एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिव कॉस्ट लगती है, एक इम्पोजिस हैवी एंड भाई उस चीज को ठीक करने में। देखो कहीं पर पानी का छिड़काव किया जाता है ना, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव किया जाता है, और उस जिसकी क्या होता है जो एयर है वो बहुत बेकार हो रही है, उसको ठीक करने में एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव कोस का यूज किया जाता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, है ना। हैवी कह रहा है, देखिए हैवी एंड प्रोटेक्टिव कोस लगती है। इन अब्सेंस पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब है जो बची हुई है एग्रीकल्चर जो है ना, इन द अब्सेंस पोल्यूशन, पोल्यूशन की अब्सेंस में फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू। अब देखो अब कहीं ना कहीं जो खेती है आगे, जो कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है कि अब वो बात कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर से जो अलग है, जो शेष बचा हुआ है, जो एग्रीकल्चर से जो अलग पोल्यूशन है, अब उसकी बात कर रहा है कि इन द अब्सेंस पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू, भाई जो स्टेबल बर्निंग करते हैं उससे अलग बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर से जो अलग पोल्यूशन होता है, क्या देयर माइट हैव बीन सम रूम फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्रैकर्स। जो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि देयर माइट हैव बीन सम रूम फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फाइव क्रैकर्स ऑल्दो क्लाइमेटिक कंडीशन। कह रहे हैं कि देयर माइट हैव बीन सम रूम, कि थोड़ा सा जो है ना ये चीज हो सकती है, देयर माइट हैव बीन सम रूम ये हो सकता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी हो किसकी, फायर क्रैकर्स की, कि एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो है फायर क्रैकर्स ना छोटा जाए, वो एक लिमिटेड हो सकता है, थोड़े कम छोटा है ना, कम पटाखे फोड़े, ऑल्दो क्लाइमेट कंडीशन एट द टाइम ऑफ ईयर, कि भैया जब क्लाइमेट कंडीशन जो है ना वो चेंज होती है किसके, ईयर के द्वारा। मतलब जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर जो है ना सर्दी का जो टाइम आता है तभी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं भाई, गर्मी से जब सर्दी का टाइम आता है तो उसके दौरान कह रहा है कि थोड़ा सा पटाखे जो कम यूज कर लें, ऑफ लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होता है और एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, मतलब जब कहीं ना कहीं मौसम चेंज होता है, मौसम का सर्कुलेट होता है, वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, ये जो चीज है ना वो फिर भी बहुत सारी डिस्ट्रेस देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है ना। वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, बहुत सारी डिस्ट्रेस जो है ना इस चीज से जो है ना स्टिल बनी रहती है फिर भी वो। ओनली डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल, सिर्फ एक डैमेज जो है ना कंट्रोल पॉसिबल है,
इंक्लूडिंग स्टेप्स टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द फायर इंडस्ट्री। देखो यहां पर जो बात कर रहा है, कहने की वो बात कर रहा है कि भाई जो कंसर्न है फायर वर्क्स इंडस्ट्री को लेकर भी एक कंसर्न है कहीं ना कहीं, भाई अगर लोग पटाखे नहीं छुपाएंगे तो फिर फायर फायर इंडस्ट्री का क्या होगा। इंक्लूडिंग स्टेप्स टू एड्रेस कि जो फायर वर्क्स इंडस्ट्री है उसके कंसर्न की बात करते हुए कि किसी सिर्फ जो है ना ओनली डैमेज कंट्रोल ही पॉसिबल है। एक बताओ अगर लोग लोग क्या करेंगे भाई, पटाखे नहीं छुटाएंगे तो भाई उससे क्या होगा, जो फायर वर्क्स इंडस्ट्री है, जो पटाखे इंडस्ट्री है वो किसमें आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी है ना। इवन विदाउट द रिस्क ऑफ कोविड-19 सर्ज, कि किसके बिना इवन। हाँ देखिए अब यहां पर जो है ना, पहले ऊपर बात कर रहा था किसकी, भाई पोल्यूशन की बात कर रहा है, और यहां पर बात कर इवन विदाउट द रिस्क ऑफ कोविड-19 सर्ज, कि जैसे कोविड-19 के भाई जो केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उसके बिना भी बात कर रहा है। इट शुड बी इविडेंट टू पॉलिसी मेकर्स, कि जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए एकदम ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए दैट कि देयर मेजर्स, कि उनके उन्होंने जो मापदंड बनाए हैं अंडर द नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत, एनसी समझ गए ना, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है पॉलिसी मेकर्स के लिए भैया, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो उनके मापदंड है उनके लिए क्लियर होना चाहिए कि विच सीक्स टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाय 20। देखिए ये चीज उनके लिए एकदम क्लियर होनी चाहिए, उन्हें क्लियर देखना चाहिए कि वो क्या करें, विच सीक्स टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर, कि पर्टिकुलर जो मैटर है पोल्यूशन का उसके लिए वो रिड्यूस करें है ना 20 से 30% बाय 2024। अब देखिए राइटर कहना कह रहा है कि जो पोल्यूशन है वो 20 से 30% 2024 तक वो कम हो जाना चाहिए, कहने के वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत जो है पॉलिसी मेकर्स को कुछ ऐसे मापदंड बनाने चाहिए, देखिए कि जो 2024 तक 20 से 30% जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको कहीं ना कहीं वो 20 से 30% की उसमें गिरावट आ जानी चाहिए। मस्ट बी डेमोस्ट्रेबली इफेक्टिव, और वो मस्ट भी जो है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये चीज होनी होनी चाहिए, समझ गए ना, ये चीज जो है ना प्रमाणिक रूप से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये चीज जो है ना एकदम से हवा में हो जाए, कि बस ये कहने के लिए हो जाए, सिर्फ पेपर वर्क हो, लेकिन ये प्रमाणिक रूप से होना चाहिए, डेमोस्ट्रेबली होनी चाहिए, चीज दिखनी चाहिए, प्रमाणिक रूप से इसका इफेक्ट होना चाहिए कि कुछ ऐसे मापदंड बढ़ाने चाहिए कि 20 से 30% जो पोल्यूशन है 2024 तक वो कम हो जाए बाय द गवर्नमेंट्स ओन एडमिशन। अगर खुद गवर्नमेंट की बात करें उसके खुद, कि उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या एडमिशन किया है, क्या एडमिट किया है, देर ओवर 148 डेज ऑफ पुअर, कह रहा है कि देखिए एयर क्वालिटी ड्यूरिंग 2019 इन द एनसीआर, एनसीआर में क्या था भैया पिछले साल 2019 में क्या हुआ, 148 डेज पुअर थे बिल्कुल, बहुत ज्यादा सिवियर एयर, गंभीर जो है ना एयर क्वालिटी प्रॉब्लम हुई है। तब 2019 में, 2019 में क्या होता है 148, देखो 365 में से 148, 365 में से 148 ऐसे रहे हैं जो बहुत ही पुअर क्वालिटी थी 148 दिन में एनसीआर एरिया में, लेकिन डाउन फ्रॉम 2006 डेज द प्रीवियस ईयर, लेकिन अब देखिए और नीचे आ गई, अब 206 दिन हो गए हैं ठीक है ना, डाउन फ्रॉम द 26 डेज द प्रीवियस ईयर, तो मतलब इस साल क्या हुआ है 206 दिन जो है ना वो उससे भी कम रहा है, मतलब 206 दिन ज्यादा हो गए हैं डाउन फ्रॉम द 206 डेज द प्रीवियस ईयर, पीएस से 206 दिन ज्यादा जो है वो इस बार जो है क्या रहा है, क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत बेकार रहा है, मतलब इस बार और ज्यादा बुरी हालत रही है, पिछली बार तो 148 डेज थे, इस बार 206 डेज से भी कम हो गए जो सिवियर एयर क्वालिटी रही है। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए मैनी अदर सिटीज कह रहा है, दूसरी जो सिटीज भी हैं हैव ए सिमिलर प्रोफाइल, उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम है जो दिल्ली में ठीक है ना, बट गेट लेस अटेंशन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कम है वहां पर, उस सिटी में भी यही प्रॉब्लम है, हो सकता है चंडीगढ़ में, कोलकाता में, बहुत सारी सिटीज में, विद 40% ऑफ ऑल पॉपुलेशन लिंक्ड डेथ। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि भैया सारे पॉपुलेशन में जो 40% है लिंक्ड डेथ्स एट्रिब्यूटेड टू बैड, वो किसकी वजह से है, 40% जो डेथ है वो बैड एयर क्वालिटी की वजह से हो रही है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लीडिंग पर है, इन लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, जो इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो बुरा है पोल्यूशंस में, भैया देखिए वाटर पोल्यूशन भी होता है लेकिन जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से 40% जो है डेथ सबसे ज्यादा जो हुई है एट्रिब्यूटेड है, एट्रिब्यूटेड का मतलब ये एक लक्षण है बहुत बैड क्वालिटी के लिए, मतलब कहने के जो बैड एयर क्वालिटी है तो उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो बैड एयर क्वालिटी की वजह से हुई है सारी पोल्यूशंस में है ना, वाटर पोल्यूशन की वजह से इतनी डेथ डेथ नहीं हुई। एंड सम एविडेंस, कुछ एविडेंस भी मिले हैं देखिए फ्रॉम द यूएस, यूएस की बात कर रहा है तो वहां ऊपर इंडिया की बात नहीं कर रहा था ठीक है ना,
पोल्यूशन में सबसे जो बेकार पोल्यूशन रहा है वो एयर, वो सॉरी वो एयर पोल्यूशन रहा है, जिसकी वजह से सारे पॉपुलेशन में से 40% डेथ जो हुई है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। एंड कुछ एविडेंस भी मिला, देखो यूएस में क्या हुआ है, हायर कोविड-19 मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर जो है वो बहुत हायर हुई है इन हाईली पोल्यूटेड एरिया। जो पोल्यूटेड एरिया जहां थे ना, जहां पर भाई एयर जो है बहुत ज्यादा पोल्यूट थी, प्रदूषित थी, तो वहां पर जो है ना मरने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है भाई। कुछ तो देखो, कुछ तो कोरोना की वजह से मरे हैं ना, और कुछ लोग जो है ना एयर इंडेक्स की वजह से वहां पर एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। इट इज टाइम कि यार टाइम है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सोवर्ड अ सेंस, एक सेंस दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ऑन द राइट, एकदम राइट एकदम, कि लोग जो है ना एक सांस जो है वो क्लीन हवा में ब्रेथ कर सके, ऑन द राइट टू ब्रेथ क्लीन एयर भाई। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेजर्स जो है गवर्नमेंट को बनाने चाहिए जिससे जो है ना एयर जो है पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन वो क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो कुछ भी करे, वो अब मेजर जो है गवर्नमेंट को देखना है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार को लेनी चाहिए। तमिलनाडु वी आर 90%, तमिलनाडु जहां पर कहा है कि 90% ऑफ द फायर क्रैकर्स, अब देखो वापस फायर क्रैकर्स पे आ गए हैं कि 90% जो है ना फायर क्रैकर्स जो है वहां पर बनाए जाते हैं और प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब पूरी इंडिया की बात कर रहा है देखिए, कहीं ना कहीं हैज लिमिटेड कंसर्न, उनके लिए एक चिंता का विषय, एक लेजिटिमेट कंसर्न है ये, ऑन द फेट ऑफ द इंडस्ट्री दिस ईयर, विच प्रोड्यूसर्स क्लेम, कह रहे कि ये जो कंसर्न है वो लेजिटिमेट कंसर्न है, कानूनी कंसर्न है, जहां पर भाई 90% फायर क्रैकर्स जो है तमिलनाडु में बनते हैं, और उनकी जो इंडस्ट्री है, जो फायर इंडस्ट्री है, ऑन द फेट ऑफ इंडस्ट्री दिस ईयर, वो कहां पर है, वो फेट पर है भैया, उनका जो भाग्य है, भाग्य पर उनका जो मतलब डिसीजन लेना है कि भाई वो इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा उनका फिर जब लोग फायर क्रैकर्स ही नहीं फोड़ेंगे, तो एक चिंता का विषय भी है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए वहां की जो है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है ना, आपको बता दूं तमिलनाडु सबसे ज्यादा भैया फायर क्रैकर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है इस साल, कह रहा है कि विच ना विच प्रोड्यूसर जो है ना क्लेम विच रिप्रेजेंट्स, देखिए विच का वर्ब ये रहा, विच रिप्रेजेंट्स कंपनसेशन स्कीम फॉर वर्कर्स, कि भैया जो एक कहीं ना कहीं जो मांगते हैं एक कंपनसेशन स्कीम वर्कर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स जो है ना ये क्लेम करते हैं भाई, प्रोड्यूसर जो पैदा कर रहे हैं वो क्या कहेंगे भाई, कैसे काम चलेगा, क्योंकि जो है ना जब लोग पटाखे छुटाएंगे नहीं तो उनका क्या होगा। विच प्रोड्यूसर्स क्लेम, क्लेम मतलब जो प्रोड्यूसर्स है वो दावा करते हैं कि भाई उन्हें कंपनसेशन स्कीम मिलनी चाहिए वर्कर्स के लिए, एंड सुटेबल रिलीफ मिलना चाहिए पुअर प्रोड्यूसर्स मे बी नेसेसरी, कह रहे प्रोड्यूसर्स के लिए एक रिलीफ उनको मिलना चाहिए भैया, तो उनको भाई पैसा देना चाहिए क्योंकि वो तो जो है ना क्या कर चुके हैं, वो तो जो है ना उन्होंने तो पटाखे बनाए हैं, तो उनकी इंडस्ट्री पटाखों की है, क्योंकि पटाखों भाई दीपावली पे लोग पटाखे छुड़ाते हैं, दीपावली पर, होली पर, ये यूं कहिए कभी कभी भाई जो है क्रिसमस पर, तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं उनके लिए क्लेम होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स में भी नेसेसरी। ऑल्दो यद्यपि द लॉन्गर टर्म सोल्यूशन माइट लाई, लेकिन एक लंबे समय के लिए जो सोल्यूशन है वो एक एक झूठा सोल्यूशन दिखता है इन ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमी एक्टिविटी इन द शिवकाशी रीजन, कि जो ब्रॉड रूप से जो बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटी है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कह रहा है भैया, शिवकाशी एक जगह है बता दूं आपको, एक रीजन है कहां, तमिलनाडु में, जहां पर बहुत सारे क्रैकर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कहने का एक बात बोल रहे हैं कि एक लंबे समय के लिए सोल्यूशन जो है झूठा लगता है, वे चलो उनको रिलीफ अभी दे दें, क्या हमेशा के लिए उनको रिलीफ दे दिया जाएगा, अभी उनको कंसेशन दिया जाएगा, कि जो इंडस्ट्री फैली हुई है जो बेसिक, और ये जो बेसिक इकोनॉमी ये इकोनॉमी पर बेस जो एक्टिविटी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये झूठा लगता है। इकोनॉमी में क्या होगा भाई, पटाखे वो बेचते हैं तो उससे इकोनॉमी भी आपका बढ़ता है, और पटाखों का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है शिवकाशी रीजन, तो कह रहे हैं ये शिवकाशी रीजन के लिए एक कहीं ना कहीं झूठा सोल्यूशन लगता है कि भाई उनको अब रिलीफ दे दिया जाए तो आगे के लिए क्या होगा उनका, कोई हर बार थोड़ा ही ना, एवरी ईयर थोड़ा ना रिलीफ मिलता रहेगा, है ना, और रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फायर क्रैकर्स, और कहीं ना कहीं भाई जो एक रिड्यूसिंग हो रहा है, कम हो रहा है रिलायंस जो है ना, कहने के जो ये रिलायंस चला आ रहा है, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे सब लोग, जो भाई आई होप सो क्लियर होगा कि लगातार जो भरोसा घट रहा है भाई, जो लोग निर्भर थे किस पर, फायर क्रैकर्स पर, जो लोग लगातार फायर क्रैकर्स पर भाई निर्भर थे, तो कहने के वो कम हो रहा है, क्योंकि भाई अब जो है ना गवर्नमेंट बैन लगा रही है ना, सरकारी जो बैन लगा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है भाई कम होगी, क्योंकि रीजन क्या है, लोग पटाखे नहीं छोड़ेंगे तो फायर क्रैकर्स कौन खरीद रहा है, तो लगातार वो क्या हो रहा है
लगातार जो भरोसा है लोगों का फायर क्रैकर्स पर कम हो रहा है, फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री पे कम हो रहा है। आई होप सो गाइस मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों से बात बात करता हूँ नेक्स्ट एडवर्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज भाई लाइक भी कर दिया करें, और एक दूसरे ग्रुप पे जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें इसको शेयर भी कर दिया करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।